नमस्ते दोस्तों, आज हमने जो नाश्ता बनाया है ना, उसमें एक चम्मच तेल का सिर्फ यूज किया है और इसी से हमारा नाश्ता बनकर बहुत ही टेस्टी हेल्दी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक बाउल लिया, उसमें एक कप के करीब में पोहा लेंगे। ये नाश्ता हमें पोहा से ही बनाना है, इसीलिए हेल्दी मैंने बताया। और इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से हम साफ कर लेंगे। इसे पानी में हमें डालकर नहीं छोड़ना है, बस इसे अच्छे से हमें साफ करना है। और यहाँ हमने इसे साफ कर लिया, उसके बाद इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि इसका हमें ना पेस्ट बनाना है। तो इसी तरह से इसका पानी निकाल के हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। और उसके बाद इसमें डालेंगे आधा कप के करीब में सूजी। पोहा एक कप लिया ना, तो सूजी आधा कप लेंगे और आधा कप दही लेंगे। इसमें दही फ्रेश हो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी खट्टी भी होगी तो चलेगी। उसके बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसे थोड़ा सा मिला देते हैं। उसके बाद इसे पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। और इसमें पानी नहीं डालें, पानी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर ज़रूरत आपको पड़ेगा तो एक दो चम्मच डालें, ज़्यादा पानी का यूज नहीं करें, नहीं तो इसका बैटर ना पतला हो जाएगा। और इसे ढककर हम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। यहाँ 15 मिनट हमारा हो चुका है, बैटर हमारा तैयार है। तो इसमें हम डालेंगे एक चम्मच के करीब में तेल और थोड़ा सा हरी मिर्ची। मैंने बोला था ना, एक चम्मच तेल से ही बनाएंगे, बस यही तेल हमने इसमें डाला है। इसके बाद इसमें तेल का यूज नहीं करेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जिस भी बर्तन में हमें इसे बनाना है उसे हम पहले रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैं इसे केक टिन में बना रही हूँ। तो केक टिन को पहले हमने तेल से ग्रीस कर लिया। आप चाहें तो किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि एक केक टिन हो, कोई भी कटोरा हो, कोई भी किसी भी बर्तन जिसमें आपको इजी लगे, या इडली मोड में भी बना सकते हैं आप। उसके बाद डालेंगे इसमें इनो एक चम्मच के करीब में, हमने यहाँ इनो इसमें डाल दिया। और इनो डालने के बाद हमें बहुत नहीं चलाना है इसे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इस बैटर को इस केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें अभी एक बार में हम पूरा नहीं डालेंगे बैटर, थोड़ा सा डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसमें तीखा चटपटा टेस्ट देने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए इसमें हरी धनिया की चटनी डालेंगे। और चटनी डालकर हमें पूरे में नहीं मिक्स करना, ऊपर में थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर देना है, जिससे खाने से में ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, देखिएगा आप। और ये जो बचा हुआ बैटर है ऊपर से डाल देंगे हम। सारे बैटर को हमने ऊपर से डाल दिया। एक बार इसे टैप करेंगे और इसे हम डाल देंगे स्टीम होने के लिए। यहाँ पहले से ही हमने पानी को गर्म करके रखा है और इसी में डालकर हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट पकाएंगे। यहाँ हमारा 15 मिनट हो चुका है, अब इसे चेक कर लेते एक बार हम। लेकिन अभी ये 20 से थोड़ा कच्चा है, तो इसे 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये ज़्यादा लग रहा है गीला, 10 मिनट बाद देख लेते हैं। देखिए नाश्ता पूरी तरह से अच्छी तरह से पक गया, रेडी है। और यहाँ ठंडा करके हमने इसे निकाल लिया है। निकालते समय मेरा कैमरा बंद हो गया था, इसलिए मैंने दिखा पाई। इसे जब भी निकाले पूरी तरह से अच्छी तरह से ठंडा करके ही निकालें। और देखिए इसे मैं कट करके आपको दिखाती हूँ, देखना है कितना सॉफ्ट लग रहा है। और इसे जैसे भी चाहे, जिस भी शेप में आप चाहे कट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने स्क्वायर शेप में इसे कट कर लिया है। और दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन सारे पीसेस को हम अलग कर लेंगे। दोस्तों आप चाहें ना तो इसी समय इसे आप फ्राई भी कर सकते हैं। जैसे इस पीस को हम अलग कर लेंगे, उसके बाद एक एक पीस को आप फ्राई कर लें। लेकिन हमें इस नाश्ता को हेल्दी बनाना है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल भी तेल में फ्राई नहीं करूँगी, ऐसे ही इसे सर्व करूँगी। ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगता है।
देख रहे हैं कितना सॉफ्ट बना है। तो आप भी इसे बनाइए और खाइए। और इसे मैं हरा धनिया के चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। देखने से अच्छा लग रहा है, लेकिन आप देख कर क्या करेंगे, बनाएंगे तभी तो इसका टेस्ट पता चलेगा आपको। ये बनता भी बहुत ईजी में है। तो चलिए, हर बार मैं बोलना भूल जाती हूँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।